भाई और बहनों, जब नीयत नेक होती है तब नीतियां भी स्पष्ट बनती हैं। आप खुद सोचिए, जो लोग कर्ज माफी कर झूठे वायदे करते हैं, उन्होंने खुद कभी ये सोचा ही नहीं कि कोई आदिवासी बैंक में जाकर के कर्ज लेता ही नहीं है। उसके तो बेचारा नसीब ही नहीं है, अरे बैंक में खाता तक नहीं था उसका। और अगर आप खोजेंगे तो आपको मुश्किल में 100 में से 2, 3, 5 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे आदिवासी जिन्होंने कभी बैंक से कर्ज लिया हो। ऐसे में कांग्रेस जो कर्ज माफी करती है उसका ज्यादातर लाभ अमीरों को होता है और कांग्रेस के चेले चपाटों को होता है। अपने आदिवासी भाई और बहनों की इसी दिक्कत को समझते हुए खेती से जुड़े अनेक छोटे छोटे खर्च को पूरा करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के 1.25 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में साल में 3 बार सीधे पैसे जमा हो रहे हैं। जिनके खाते में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं उनको बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। अब तो हमने बहुत बड़ा संकल्प लिया है, 23 मई को, कल 23 अप्रैल है, इसके बाद 1 महीने के बाद 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। और जब 23 मई को चुनाव का परिणाम आएगा तो 23 मई को जब फिर एक बार जब मोदी सरकार बन जाएगी तो हम अभी जो हमने 5 एकड़ का नियम बनाया है उसको भी हटा करके सभी किसानों को इसका फायदा देंगे। इसके बाद नंदुरबार के, महाराष्ट्र के हर किसान के खाते में पैसा जमा होंगे।